नमस्कार, आप देर इंडिया टाउन आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। किसानों के नुकसान हुए धान का मुआवजा देने में बीमा कंपनियां कर रही आनाकानी। प्रयागराज कर्मा। किसानों को द्वारा अपने फसल की सुरक्षा के लिए विभिन्न बैंकों से अपनी फसलों का बीमा कराया था, पर धान की फसल तैयार होने के बाद भी हुए अचानक बारिश से पूरी फसल की तहस नहस हो गई, जिसके बाद किसानों के द्वारा उक्त बीमा कंपनियों को मैसेज कर मौके पर पहुंच करके नुकसान का मूल्यांकन कराकर मुआवजे की अपील की गई। वहीं क्षेत्रीय अलका लेखपालों के द्वारा भी बारिश के कारण खराब हुए धान की फसल का मूल्यांकन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बीमा कंपनियां किसानों के नुकसान हुए धान का मुआवजा देने से आनाकानी करती हैं। मौसम के हिसाब से आपकी आलू की फसल पूरी तरह से चौपट हो रही, तो क्या इसमें जो है आप लोगों ने बीमा वगैरह कराया है इसका? बीमा सर इस बार तो नहीं कराया, अगले बार कराए थे तो हम लोगों का कोई जो है मुआवजा नहीं मिला। 6-7 बीघे धान की खेती नष्ट हो गई थी, उस पर हम लोग कंप्लेन भी किया, मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा में गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो है प्रधानमंत्री जो योजना निकाले थे फसल बीमा का, उसमें भी हम लोग कंप्लेन किए, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इस बार हम लोग बीमा नहीं कराए। तो जो पिछली बार फसल बर्बाद हुई थी तो उसकी जो है ऑनलाइन भी कहीं शिकायत की गई थी आपके द्वारा? हाँ सर, ऑनलाइन भी की गई थी। तो क्या जवाब वहाँ से मिला था? उसमें यह जवाब मिला कि जो है हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो है ये तो बाढ़ से नष्ट हुआ है पानी के बहाव से, तो इसमें मतलब अगर खेती नष्ट हो रही है तो पानी के बहाव से नष्ट होगी, बाढ़ से जो है बारिश हुई तभी तो नष्ट हुई। लेकिन वो लोग इस बात को कोई वो नहीं बोले कि हमारे पास इसका कोई वो नहीं है। तो बीमा करने से पहले उन्होंने क्या क्या बताया, किन किन क्लेमों पर आपको जो है क्लेम मिलेगा? क्लेम हमको ये बताया था कि बाढ़ अगर आपकी खेती अकस्मात बारिश से अगर नष्ट हो जाती उसमें मिलेगा बीमा, या तो किसी बिजली की वजह से अगर अकस्मात बिजली जैसे कड़कड़ाहट उसमें अगर नष्ट हो, या तो तार वगैरह गिर जाए खेती नष्ट हो जाए उसमें मिलेगी। लेकिन उसमें जो बताया गया था उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रजीत पटेल है, गांव करमानी। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।